नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्वक कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता या स्त्रियों के स्वाभाविक दोष कहे गए हैं। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना और उसके उपभोग के काम शक्ति होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण ही प्राप्त होती है। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिसे विश्वास किया जा सकता है और पत्नी भी वही है जिसे सुख की प्राप्ति होती है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्रों को उसे घड़े के समान त्याग देना चाहिए, जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ है परंतु अंदर विष है। जो मित्र खोटा है उस पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मित्र अच्छा है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। यदि सफल बनना है तो मनन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए सोचे हुए बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायी है। दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो बहुत ही कष्टदायक होता है। सभी पहाड़ों पर रत्न और मनिया नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुख नामक मणि होती है, प्रत्येक मन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थानों पर नहीं मिलते। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पत्नियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुलों की स्थिति होती है। अति लाड़ दुलार से बच्चों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनको उचित दंड देने के गुणों का विकास होता है। इसलिए बच्चों को अति लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, गलती होने पर उचित दंड भी देना चाहिए। पत्नी का पिछोड़ना, अपने बंधु बंधुओं से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक के सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट और स्वार्थी लोगों के साथ रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती है। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में अर्थात पराये लोगों के आश्रित रहती है और जिस राजा के मंत्री स्वार्थी होते हैं, वे जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, व्यापारियों का बल उनका धन है और शत्रुओं का बल दूसरों की सेवा करना है। वेश्या निर्धन पुरुषों को, प्रजा पराजित राजाओं को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर त्याग कर चले जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले पशु जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। बुरे चरित्र वाले, आकरण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। प्रेम बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी है तो राज की नौकरी करनी चाहिए, लेकिन नौकरी से भी अच्छा कार्य व्यापार करना है और उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। दोस्तों फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।